2024 में YouTube चैनल आप मत खोलना अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं मालूम है। अगर आप लॉन्ग टर्म में YouTube पर काम करना चाहते हैं तो आपको इन छह चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन छह पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सबसे लास्ट वाली है, जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ। कोई भी कॉन्टेंट क्रिएटर जब YouTube के ऊपर आता है तो उसे बेसिक नॉलेज तो होती है YouTube की, लेकिन उसके एल्गोरिथम के बारे में, उसके SEO के बारे में, उसकी YouTube पॉलिसी के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी गलतियां कर देता है कि उसको डीमोटिवेट होना पड़ता है और वो हार कर अपने YouTube चैनल पर कॉन्टेंट डालना बंद कर देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये गलतियां कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और जो लोगों को इन पॉलिसी के बारे में पता भी है, तो मैं गारंटी देता हूं आपको ये छह पॉइंट में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। देखिए 2024 में आप लोग एक YouTube चैनल ओपन करना चाहते हैं या फिर आपने ओपन कर लिया है, तो ये आपको 6 पॉइंट मालूम होने चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी बातें इनसे रिलेटेड बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये 6 बातें नहीं सीख रखी है या नहीं जानी है या इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप 2025 में भी आ जाएंगे तब भी आपका YouTube चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। और फिर आप कहेंगे कि यूट्यूबर बनना एक सिर्फ नसीब काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा पहला पॉइंट। तो 2024 में आप लोगों ने इतना तो अपना माइंड सेट कर ही लिया होगा कि इतने महीने में या इतने दिन में मुझे इतने सब्सक्राइबर गेन करने हैं, या फिर एक और नया चैनल बनाना है और उस पर इतनी वीडियो में मुझे इतने सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों ने पहले ही माइंड सेट कर ली होंगी, लेकिन एक महीना हो गया है आपको और फिर भी आपके चैनल पर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है और आप ऑलरेडी गिव अप करने की हालत में आ गए हो। आप लोग जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप लोगों को मैं बता देता हूं, एल्गोरिथम। आपको पता ही नहीं है कि YouTube का एल्गोरिथम काम किस तरह से करता है। आप लोग जानते ही नहीं है कि YouTube आपसे चाहता क्या है और आप पता क्या काम कर रहे हैं कि एक तरफा प्यार की तरह आप अपनी तरफ से वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में एफर्ट लगाए जा रहे हो, लेकिन यही नहीं पता कि YouTube चाहता क्या है, इसलिए आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। आप लोग जानते हैं YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये एड के थ्रू अपनी अर्निंग करता है और YouTube चाहता है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आनी चाहिए, चाहे वो Instagram की ऑडियंस हो या किसी की भी हो, को अपनी तरफ को खींचना चाहता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब Instagram ने रील निकाला तो YouTube ने शॉर्ट निकाल दिया ताकि वहां की ऑडियंस यहां खींच सके और यहां की ऑडियंस वहां ना जा सके, क्योंकि YouTube चाहता है कि ऑडियंस उसके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक बनी रहे, जितना हो सके, तभी YouTube को फायदा होगा। इसलिए YouTube कंटेंट क्रिएटर की मदद चाहता है, क्योंकि वो आपसे चाहता है कि ऐसा कंटेंट आप उसे बनाकर उस पर अपलोड करें कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस वहां पर खींचकर आए, YouTube के प्लेटफॉर्म पर आए, जिसकी वजह से YouTube एड दिखा कर वहां से अर्निंग कर पाए। लेकिन बॉस 90% लोग इस बात को समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से YouTube उनका कंटेंट कभी किसी के पास रिकमेंड करता ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूं। मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक YouTube चैनल क्रिएट किया है और उस पर आप लोग वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं, कोई भी एक वीडियो पकड़ लेते हैं। YouTube क्या काम करता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड के आधार पर एक माइंडसेट करता है और उससे उसे पता चलता है कि किस तरह की ऑडियंस को हमारी वीडियो उसे सेंड करनी है या रिकमेंड करनी है, और इस बेस पे वो सजेस्ट करना शुरू कर देता है कुछ लोगों के पास। और वो लोग क्या काम करते हैं, आपके थंबनेल की वजह से उस पर क्लिक करते हैं। तो दो ही बातें होंगी, या तो क्लिक करेगा या फिर क्लिक नहीं करेगा। तो जो लोग क्लिक करेंगे वो आपकी वीडियो को प्रॉपर तौर पर या तो आधा देखेंगे या थोड़ा सा देखेंगे, और कुछ लोग उसमें से होंगे कि आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इस बेस पे YouTube को ये पता चल जाएगा कि किस तरह की ऑडियंस हमारे कंटेंट को देखना पसंद कर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा YouTube क्या काम करेगा, इस तरह की ऑडियंस को हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करना या सजेस्ट करना शुरू कर देगा। फिर उस कैटेगरी के सजेस्ट किए हुए लोगों को सजेस्ट करने के बाद YouTube ये चेक करेगा कि उनमें से कितने लोगों ने आपकी वीडियो पर अटेंशन क्या-क्या दिया है, क्योंकि कोई आधा देखेगा, कोई हो सकता है थोड़ा देखकर हट जाए वहां से, क्योंकि इंटरेस्टेड तो है नीच को देखने में, लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रॉपर तौर पर पूरी वीडियो ना देख पाए। अब YouTube यहां से वॉच टाइम कलेक्ट करता है और एंगेजमेंट कलेक्ट करता है। तो वॉच टाइम का मतलब, अगर आपकी वीडियो को ऑडियंस ज्यादा देख रही है या पूरा देख रही है, तो
और ज्यादा लोगों को YouTube प्रमोट करता है उस वीडियो को, और वो वीडियो सभी पर्सन के पास, उस कैटेगरी के सभी पर्सन के पास सजेस्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस एक वीडियो के वजह से लोग बहुत देर तक YouTube पर टिके हुए हैं। तो YouTube चाहेगा कि इस वीडियो को सबको दिखाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इस नीच के जो लोग देखना पसंद करते हैं। और इस वीडियो को देखने की वजह से इतना मोटा पैसा छापता है YouTube कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी इस वीडियो की ऑडियंस अटेंशन कम होती तो बहुत ही कम लोगों को दिखाता या फिर दिखाना बंद कर देता। यही वजह होती है कि आपकी जब एक बार वीडियो चल जाती है और फिर रुक जाती है तो YouTube उसको फोर्स नहीं करता है, आगे सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे YouTube को लगता है कि ये वीडियो बेकार है, इस वीडियो की वजह से ऑडियंस YouTube को छोड़कर जा रही है, तो इसलिए उस वीडियो को प्रमोट नहीं करता है या उस वीडियो को सजेस्ट उन पीपल्स को नहीं दिखाता है। या ये समझ सकते हैं कि YouTube अपनी ऑडियंस का मूड खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मूड खराब होता है तो लोग YouTube को छोड़कर फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, और YouTube ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करता है। वहीं पर अगर आपकी वीडियो को लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा है, उस पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उस आधार पर भी आपकी जो वीडियो है उसको सजेस्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास भेजता है YouTube। क्योंकि अगर कोई बंदा मेरी वीडियो को शेयर कर रहा है और दूसरा बंदा मेरे शेयर किए हुए लिंक पे क्लिक करके YouTube पर आ रहा है, तो YouTube को लगता है कि अदर प्लेटफॉर्म से भी बंदे आ रहे हैं YouTube के ऊपर, या ऑडियंस आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो वो इस आधार पर ऑडियंस को दिखाता रहता है। और आप जानते हैं YouTube का मेन मोटिव क्या है, ऑडियंस को अदर प्लेटफॉर्म से अपने प्लेटफॉर्म की ओर लेकर आना। और अगर आपकी वीडियो पर कॉमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि वहां पर लोग एक दूसरे से बहस भी करेंगे और ज्यादा YouTube पर रुकेंगे, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉमेंट्स में कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, तो इस आधार पर YouTube का ही फायदा है और मोटा पैसा बहुत छापता है YouTube इस आधार पर। और अगर आपकी वीडियो एंगेजमेंट नहीं लेकर आती है तो आप जानते ही हैं 90% लोगों का चैनल इसी आधार पर डेड हो जाता है, और इसी तरह से वीडियोस भी नहीं चल पाती हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग और उस पर कंटेंट डालना बंद कर देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से एल्गोरिथम काम करता है YouTube का। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि दो चैनल है हमारे पास में, एक चैनल एक साल में 365 वीडियो अपलोड करता है और दूसरा चैनल सिर्फ एक साल में 10 वीडियो अपलोड करता है, और वो वीडियो भी बहुत ही ज्यादा क्वालिटी की है, उनकी एडिटिंग बेस्ट लेवल है और एकदम एडवांस लेवल के, तो याद रखिएगा इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। हो सकता है एक साल में मिलियनों इसके सब्सक्राइबर हो जाएं और 1000 भी या 10K भी क्रॉस ना कर पाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कंटेंट के अंदर क्वालिटी सबसे ज्यादा देनी है, आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो आप बात बता रहे हैं वो सब चीज अच्छी होनी चाहिए, दूसरी ओर उससे बेहतर होना चाहिए जो एक साल में 365 वीडियो डाल रहा है, क्योंकि एक साल में 365 वीडियो अपलोड करना कोई महान काम नहीं है, लेकिन एक साल में 10 वीडियो ऐसी डालना जिससे सब्सक्राइबर मिलियनों में आए वो एक महान काम है। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कि क्वालिटी भी देनी है, क्वांटिटी भी देनी है, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, SEO। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि रिटर्निंग व्यूअर्स कैसे आएंगे, न्यू व्यूअर्स कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, रैंकिंग कैसे काम करती है, CTR किस तरह से काम करता है, RPM किस तरह से काम करता है, CPM किस तरह से काम करता है, तो ये सारी चीजें SEO के अंदर आती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सब होता क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि आप एक जंगल के अंदर हैं और इतना घना जंगल है और उस जंगल के अंदर आपके पास मैप भी नहीं है, तो आप सोचिए पूरी तरह से भटक जाए, क्योंकि ये सारे चीजें जो होती हैं मैप का काम करती हैं, और एक YouTube नाम का जो शेयर है वो आपको खा जाएगा। SEO में आपको रैंक करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, टाइटल, कीवर्ड और थंबनेल। तो ये तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए अपनी जगह पर कहीं। YT स्टूडियो के अंदर दोस्तों आपका एनालिटिक होता है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को या यूट्यूबर को अपना एनालिटिक पढ़ना आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए YouTube उससे चाहता क्या है, उसकी ऑडियंस उससे क्या चाहती है, किस तरह का अटेंशन वो अपनी ऑडियंस को दे सकता है, ये सब चीजें आती है SEO के अंदर। क्योंकि अगर आपको एनालिटिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो YouTube आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। किस तरह से टाइटल डालना है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरह से आपको कीवर्ड्स सर्च करने होते हैं, इसके ऊपर हजारों वीडियो बनी हुई है YouTube पर, स्टडी करिए, थोड़ा सीखिए इस बारे में और इस तरह से अपनी वीडियोस में इस चीज को अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है YouTube पॉलिसी।
आप जानते हैं YouTube पॉलिसी अब दो तरह से काम करती है, एक तो 500 सब्सक्राइबर 3000 घंटे और दूसरी पॉलिसी हमारी काम करती है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। अगर दोस्तों शॉर्ट की बात करें तो 90 डेज के अंदर आपको 3 मिलियन व्यूवर्स लाने होते हैं तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन ये हाफ मोनेटाइजेशन कहलाता है क्योंकि यहाँ YouTube का एक मास्टरमाइंड प्लान काम कर रहा है। दोस्तों मान लेते हैं कि आपका हाफ मोनेटाइजेशन हो जाता है, मतलब कि 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 3000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है या आपके 3 मिलियन व्यूज हो जाते हैं, तो मोनेटाइज तो आपका हो जाएगा लेकिन आपको एड से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। यहां आपको तीन चीजों का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको सुपर चैट का यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, मेंबरशिप का मिल जाता है और मर्चेंडाइज का ऑप्शन यहां पर आपका ओपन हो जाता है, जिससे कि काफी कम अर्निंग होती है बट आपको यहां पर एड के थ्रू कोई भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका फुली मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। जिससे हमारी सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो है एड रेवेन्यू, और लेकिन अगर हम इन तीन चीजों की बात करें तो ये तीन चीजों में बहुत कम आपकी अर्निंग होती है और बहुत सारे लोग मेंबरशिप भी नहीं लेते हैं, सुपर चैट भी नहीं करते हैं। तो YouTube पॉलिसी के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, आप आजकल देख रहे होंगे कि AI की तरफ से बहुत सारी वॉइस आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां तक कि आप वीडियोस बना सकते हैं। यहां पर ये मोनेटाइज में कोई इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपका AI चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन में नहीं जाएगा, बल्कि इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। आप लोग अपनी वॉइस को चेंज करके बहुत सारे लोग YouTube पर अपलोड करते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आता और उनके मोनेटाइज भी हो जाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग अपने फेस को दिखाते भी नहीं है फिर भी उनका YouTube चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन में चला जाता है और उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसी दूसरे अवतार की वीडियो लेते हैं, किसी दूसरे अवतार की वॉइस लेते हैं, उसको मर्ज करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, तब भी उनके पर कोई कॉपीराइट नहीं आता या कोई भी इशू नहीं बनता मोनेटाइजेशन के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने किसी की वॉइस उठा के वैसी की वैसी ही अपलोड कर दी तो कॉपीराइट आ जाएगा फौरन से, पहले आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जाएगा ही नहीं, या फिर अगर गया तो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप AI की वॉइस को लगातार डायरेक्टली बिल्कुल भी यूज में नहीं ले सकते जब तक कि आप उसके अंदर एडिट ना कर सकें। ये सारी पॉलिसी इसमें दी हुई है, आप जाकर YouTube पर सर्च करेंगे YouTube पॉलिसी PDF तो PDF पूरी निकल के आ जाएगी, आप उसे पढ़ भी सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट करके। इसी में बात करते हैं कॉपीराइट क्या है, ये कॉपीराइट कैसे आता है, किस तरह से इससे बचा जाता है, किस तरह से हम अपने डिस्क्रिप्शन में एट्रीब्यूट कैसे दिया जाता है कॉपीराइट से रिलेटेड, इस बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और अगर नहीं है तो आप YouTube पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिए कोई भी वीडियोस जो आप जो कि त्यों उठा रहे हैं YouTube से उसको कभी भी अपलोड मत करिए क्योंकि YouTube अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। 2014 2012 2013 में इतना एडवांस नहीं था लेकिन आज के टाइम में इतना एडवांस हो गया है कि आप उस वीडियो को रैंक तो करा लेंगे लेकिन जैसे ही मोनेटाइजेशन के अंदर आपका चैनल जाएगा वहां से आपको वो डिलीट करनी पड़ेगी या फिर वो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देगा या फिर आपके मोनेटाइजेशन को मना कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप लोग कॉपीराइट कंटेंट मत बनाइए। म्यूजिक जो आपको सर्च करना है या तो पेड खरीदिए आप लोग या फिर यूट्यूब लाइब्रेरी है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं म्यूजिक, तो कॉपीराइट से आपको बचना पड़ेगा। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूट्यूब पॉलिसी के अंदर। अब बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट की, कंपटीशन। तो ये कंपटीशन क्या है, आप जानते हैं दोस्तों कोई भी चीज में आप जाएंगे किसी भी बिजनेस को आप लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां आप लोगों को कंपटीशन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर आपका कॉम्पिटिशन ना हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा चैनल ओपन करूंगा जिसमें कॉम्पिटिशन ही ना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग बहुत गलत सोच रहे हैं, अपने माइंड को सेट कर लीजिए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन ना हो। तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके सामने तब नहीं आएगी जब आप ग्रो कर चुके होंगे, बल्कि ये प्रॉब्लम तब आएगी आपके साथ जब आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे होंगे या धीरे धीरे ग्रो कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ वाले जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपनी वीडियो में कौन सा एफर्ट लगा रहे हैं, किस तरीके की अपनी एडिटिंग कर रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनका चैनल इतना ज्यादा वायरल जा रहा है और आपका चैनल को कोई वीडियो देख भी नहीं रहा, मक्खी भी नहीं बना रही है। तो इस बात को सोचिए आप लोग, थोड़ा कॉम्पिटिशन के थ्रू आप लोग इस बात पर ध्यान लगाइए कि आपको किस तरह से अपनी वीडियोस को सबसे अलग बनाना है जिसके थ्रू YouTube की ऑडियंस जो है आपकी वीडियोस को सबसे ज्यादा अटेंशन दे। तो अब मैं आपको बता दूं कंपटीशन से बचे कैसे, बचने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपका कोई टेक का चैनल है तो आपको पढ़नी पड़ेगी न्यूज, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा मोबाइल आ रहा है, कौन सा गैजेट आ रहा है, इसके बारे में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका एजुकेशन का चैनल है तो उससे रिलेटेड
रिलेटेड आपको बहुत सारी न्यूज देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जिसके थ्रू आप दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का आपके पास एक सुनहरा मौका होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी जो नीच है वो टेक्निकल की है, यानी कि एडिटिंग की है, वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है या फिर अनबॉक्सिंग की है। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे चैनल से पहले भी बहुत सारे पहले के चैनल हैं जो पहले से ही ग्रो कर चुके हैं, लेकिन जो मेरे साथ के चैनल हैं वो मेरे से डाउन है, मैं उनसे आगे हूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी ऑडियंस को या मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको, मैं ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं जो शायद वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे, ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप आगे निकल सकें। और सबसे लास्ट पॉइंट जो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है जो मैं अब इस पॉइंट में बताने वाला हूं। अब जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, यह है एंगेजिंग। दोस्तों 2024 के अंदर हर कंटेंट क्रिएटर को पता है कि उसकी ऑडियंस की वैल्यू कितनी है, इसलिए हर एक कंटेंट क्रिएटर Q&A सेशन करता है, लाइव चैट करते हैं, लाइव बातचीत करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, ताकि एंगेजमेंट बढ़ता रहे, उनके बीच का जो रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत होता रहे। जैसे कि अगर मेरी बात करें दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं सभी का रिप्लाई करता हूं, हमेशा करता हूं, और यूट्यूब के ऊपर जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूं कि एक दो घंटे या फिर लगातार उनके मैसेजेस का जवाब दे सकूं, ताकि हमारे बीच में जो रिलेशन है वो मजबूत हो सके, ताकि उन लोगों को ये ना लगे, क्योंकि यार हर कोई चाहता है उसकी जो परेशानी है उसको कोई दूर करने वाला होना चाहिए। जब मैं इस फील्ड में सीख रहा था नया, तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं जब भी बड़े कंटेंट क्रिएटर को कमेंट्स करता था, इंस्टाग्राम पे DM करता था, मैसेज करता था, तो कोई भी रिप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करता था, कोई बताता ही नहीं था कुछ भी। तो बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती थी, जगह जगह लोगों से, अपने दोस्तों से मिलना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, तब जाके वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुआ करती थी। लेकिन मैं अपने केस में क्या करता हूं दोस्तों, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आए या फिर मेरा कमेंट आए यूट्यूब के ऊपर, मैं हमेशा उनके जवाब देता हूं। और अब भी जो आप में से लोग देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं किस तरह से अपने सब्सक्राइबर को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता हूं, बहुत सारी जगह मैं बोलकर भी रिप्लाई करता हूं, अगर जरूरत पड़ती है तो पिक्चर क्लिक करके भी दे देता हूं, जिससे कि किसी भी यूट्यूबर को परेशानी ना हो। यही काम आप लोगों को भी करना है, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहिए, उनके साथ जुड़िए, और अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपकी ऑडियंस फिर किसी और की हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑडियंस का यकीन आपके ऊपर इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर आप कोई और दूसरा चैनल भी खोलते हैं या ओपन करते हैं और वहां पर आप अपनी ऑडियंस से कहते हैं वहां जाके सब्सक्राइब करिए, तो सब जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो आपके साथ वहां जाके कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपकी वीडियो किसी भी चीज की हो। इसे कहते हैं रिलेशनशिप। तो दोस्तों जैसा मैं अपनी ऑडियंस का दिल जीतने की कोशिश करता हूं, उनके साथ लगातार टच में रहता हूं, उनसे बात करता हूं, वही काम आप लोगों को भी करना है। एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है इस फील्ड के अंदर। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो एक सोनू साहब है, उनका एक YouTube चैनल है मोटिवेशनल गुरु के नाम से, एक हमारे राणा साहब है पाकिस्तान के हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं, मैं उनको बताता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ टच में हैं, मुझे नाम याद नहीं है प्रॉपर तौर पर, तो ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग भी अपने सब्सक्राइबर को जोड़िए लगातार, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन देखेंगे आपकी टीम होगी और वो सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, सीखने के लिए कुछ मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम अक्सर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिर्फ 6 पॉइंट थे ये, कितना बोलना पड़ता है इन 6 पॉइंट की वजह से। बहुत गर्मी है, पंखा मैंने बंद कर रखा है। मिलते हैं बाद में, बाय। YouTube पे आए हैं सारे टेक्निकल भाई, जिनके वीडियो से होगी कितनी प्रतियों के आए, सारा नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए हर YouTube पे हमारा प्यार, टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो, सबको सिखाए YouTube पे टेक्निकल सा हो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु, टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो।